जनता का आईना में फिर एक बार आपका स्वागत है। पुलिस रात को 12 बजे 2 बजे 3 बजे फोन करती है और लोगों से कहती है आपको गांव जाने के लिए कल गाड़ी है, आप सुबह सुबह 6 बजे पुलिस स्टेशन पे आ जाओ। और हजारों की संख्या में लोग पुलिस स्टेशन के बाहर आ जाते हैं। ये बात है वडाला ट्रक टर्मिनल पुलिस स्टेशन मुंबई की। वहां पर लोग जब जमा होते हैं तो पुलिस अचानक कहती है कि ट्रेन कैंसिल हो गई। ये एक दिन नहीं हुआ, ये लगातार पिछले 3 दिनों से हो रहा है। और लोग गांव जाने के का मौका मिला है इसलिए अपना अपना किराए का घर वापस करके अपना पूरा बच्चे और परिवार लेकर पूरा सामान लेकर पुलिस स्टेशन के बाहर आते हैं और फिर उन्हें कह दिया जाता है कि कल आइए। कितने ऐसे परिवार हैं जिन्हें रहने के लिए दूसरा ठिकाना नहीं और वो फिर पुलिस स्टेशन के बाहर ही सो जाते हैं। 9 महीने की गर्भवती महिला मजबूर है कि पुलिस स्टेशन के बाहर सोने के लिए। इसके पीछे कौन सी राजनीति है? क्या यूपी सरकार ट्रेनें को आने नहीं दे रही है या महाराष्ट्र सरकार ट्रेनें भेज रही नहीं है या रेलवे ट्रेनों को उपलब्ध नहीं करा रही है? ये क्या हो रहा है? सरकार कोई भी जिम्मेदारी का काम करेगी या नहीं करेगी? पहले तो लॉकडाउन करके गैर जिम्मेदाराना तरीके से लॉकडाउन करके लोगों को परेशान किया गया, आप फोन करके बुलाकर और फिर उसके बाद ट्रेन कैंसिल हो गई ऐसा बोलकर फिर लोगों को परेशान कर रही है। जनता के प्रति कोई जवाबदारी सरकार की है या नहीं है? एक तरफ विमान चालू करने की बातें हो रही है, एसी ट्रेन चालू की जा रही है, लेकिन गरीब जनता के लिए, जनता उनकी एक्सप्रेस, श्रमिक एक्सप्रेस, उनका कोई पता नहीं है। जो विमान में आने वाले हैं उन्होंने कोरोना लेके आए हैं, जो चल के जा रहा है, जो मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, उसने कोरोना नहीं लाया है। तो आज हम देखते हैं कि वडाला पुलिस स्टेशन के बाहर लोगों के क्या हाल चाहते थे। नाम विजय कुमार है, हम यूपी जाना चाहते हैं, उनके प्रतापगढ़। हाँ, यहाँ बुला के 3-4 दिन सही हो रहा है, आ जाओ कल आओ। हाँ, यही कर रहे हैं सर यहाँ पर। हाँ, आने के बाद बोलते ट्रेन कैंसिल हो गया है, फिर वहाँ जाके अधिकारी से पूछो। हाँ, तो जाके बोलते हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, आप बताए कि हम लोग क्या करें, ना हमारे पास खाने के लिए है, ना अब रूम छोड़ के रूम वाला अंदर नहीं लेगा, अब हम लोग जाए तो कहाँ जाए। बुलाने के लिए मैसेज छोड़ देते हैं, कैंसिल करने के लिए मैसेज नहीं छोड़ते। आज सुबह फोन किया कि मतलब ट्रेन है, बोलते हाँ हाँ आ जाओ, यहाँ आने के बाद पता चल रहा है ट्रेन कैंसिल है। या तो हमको डायरेक्ट घर भेजवा दे या तो हमारा कोई व्यवस्था करा दे, बस और कुछ नहीं चाहिए। 9 लगे हैं। लाइट का बिल मांग, हम लोग कहाँ से देंगे? पानी वाला पानी मांग रहा है, साफ बोल रहा है कि हम पानी नहीं देंगे। बस यही बात है कि क्या करेंगे, पानी पीने को मिलेगा, राशन भी नहीं है। 2000 रुपये था, हम सोचे घर निकल जाएंगे, लेकिन अब यहाँ आए, यहाँ ऐसे मसला जो है कि ना घर का रह गया, ना इधर का, ना उधर का, बीच में टंगा हूँ सर। आज कितने दिन से यहाँ पे हो? यहाँ 3 दिन हो गया, यही पे। हाँ, रात में सोचा हूँ मच्छर काटते हैं, लेकिन फिर भी बोलते हैं सुबह आएगा, सुबह सुबह नहीं जाएगा। ट्रेन जा रहा है, खाली यहीं से सुनाई पड़ रहा है कि नहीं चल रहा है। भाड़ा दे के जो कोई पैसा था भाड़ा दे के यहाँ पे आए, कैसे भी करके जाने के लिए, फिर सोचे कहाँ जाएंगे हम लोग। वो लाइट का बिल और पानी वाला तो साफ बोल रहा है कि हम लोग पानी नहीं देंगे, जाओ जो करना होगा कर लेना। अगर यहाँ आती है पब्लिक, इतना पब्लिक आई है, कोई लेके बच्चे लोग फैमिली लोग को लेके आए, 250-300 लेते हैं अभी यहाँ, तो फिर रिटर्न जाएगी तो 250-300 लगेगा, कहाँ से पब्लिक के पास पैसा है सर? खाने का वादा हो गया एकदम। यहाँ से 4 दिन से कैंसिल हो रहा है, पब्लिक आ रही है, पब्लिक को फोन किया जा रहा है सुबह 6 बजे आओ, यहाँ आने के बाद लोग बोलते हैं कि कैंसिल हो गया ट्रेन। गोरखपुर का कोई भी ट्रेन नहीं, आज हजारों की तादाद में पब्लिक यहाँ, ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन हो रहा, कैसे होगा? हर व्यक्ति आज परेशान है घर जाने के लिए, लेकिन कोई आज जाने का यहाँ पे कोई किसी का सुनवाई नहीं हो रहा। यहाँ पे आते हैं सब लोग बोलते हैं कि भाई अभी हम लोग कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से नहीं, रेलवे बोर्ड से कैंसिल हुआ ट्रेन। आखिर रेलवे बोर्ड से हो रहा तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता होगा, तो शाम को मैसेज डालो कि कोई बताओ यहाँ क्यों आएगा कोई आदमी। रोज का एक कहानी है, ऐसा नहीं कि आज पहली बार, 4 दिन से हो रहा है। और कल मैं आ गया तो कल मुझे भी चौकी में लेके गए थे,
मैं वहाँ पे दो घंटा बैठा था। तीन दिन से लगातार बुला रहे, आज आओ कल आओ कर करके, कल भी बुला के सबको रिटर्न किए, आज भी बुला के पूरी पब्लिक जमा और रिटर्न कर दे रहे। क्या 3 बजे से हम लोग आके बैठे इधर। हाँ तो पुलिस ने आपको, पुलिस वाले बोल रहे की गाड़ी रद्द हो गई। रद्द हो गई, कहाँ जाना था आपको? लखनऊ। सर मैंने यहाँ आया था मदद के लिए कि हमें मकान मालिक परेशान कर रहा है। हाँ। इन्होंने बोला कि क्या मदद करूँ आपका। हमने बोला सर आप कोई सा मदद, खाने पीने का मदद करिए, मकान मालिक परेशान कर रहा है उसको थोड़ा बोलिए। तो वे बोले कि नहीं ऐसा मदद नहीं कर पाऊँ, घर भेज सकता हूँ। हमने बोला ठीक है सर भिजवा दीजिए, लेकिन यहाँ पे आया हूँ, कल आया हूँ, आज भी आया हूँ, आज रात भर यहीं पे रहा। बोले कि कल भी कैंसिल, आज भी कैंसिल। असल में कहाँ जाओ, रूम मालिक बोला मैं नहीं रखूँगा। आपका नाम क्या है? जमील अहमद। कहाँ पे जाओ, कहाँ जाना था? बस्ती। बस्ती। और कहाँ, क्या काम करते थे आप? पेंट का काम करते। अच्छा।